हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के सामने एक और नई लिस्ट आ चुकी है। अभी अभी जो लिस्ट जारी हुई है, 1170 बच्चों को इस लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। इस लिस्ट कौन से डिपार्टमेंट की रहने वाली है? पीएन की, प्रोसेस सर्वर की यह लिस्ट जारी हुई है। क्या यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लिस्ट रहने वाली है? कौन से डिपार्टमेंट की लिस्ट है? आपको इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। जल्दी से सभी मेरे भाई बहन, 1170 बच्चों का इस लिस्ट के अंदर नाम है। सभी अपना जल्दी से नाम चेक कर लो। जिसका नाम आ रखा है उसको अब आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो सभी के सभी मेरे भाई और बहन वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे पूरे हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की, कोई भी कौशल रोजगार निगम के तहत कोई भी अपडेट आता है, चाहे कौशल रोजगार निगम का कोई भी ऑफर लेटर आए, किसी प्रकार का कोई भी नोटिस आए, आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ में मेरे भाई और बहन कुछ भी आपको पूछना हो, ये लिस्ट जो आई हुई है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर चुके, दोबारा से भी शेयर कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो और अपना डिटेल से सभी वहां पर नाम भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं, पूरा डिटेल से जानकारी देता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये डिपार्टमेंट, आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो लिस्ट ऑफ द स्विंग जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है इसके अंदर लिखा गया है कि अल्फाबेट के नाम से हिसाब से लिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर प्रोसेस सर्वर का जो इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है उसके ऊपर ये बेस पर ये भर्ती होने वाली है। फरीदाबाद कोर्ट का जितने भी फॉर्म अप्लाई किया है, जितने भी बच्चों ने, उनका लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। तो उनको अब इंटरव्यू देने जाना पहुंचना होगा, जिसके अंदर आपको रिसिप्ट नंबर मिल चुका है, डेट डाल रखी है आप सभी की, जिसके अंदर आपका जो फॉर्म है वहां पर रिसिप्ट हुआ, कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपकी क्वालिफिकेशन, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है। पीएन के लिए और चपरासी की पोस्ट के लिए, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं मेरे भाई और बहन। एमए पास वाले, 10th प्लस 2, बीएससी, एमएससी, एलएलबी के बच्चों ने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है। आप सभी को बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा होगा कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एलएलबी के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। पीएन की प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, बिल्कुल डिटेल से आपको देखने को मिल रहा है। सभी ये रिसिप्ट नंबर अपना चेक कर ले, क्योंकि इसी रिसिप्ट नंबर से आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका दिया जाएगा। एक बार 23 पेजों की लिस्ट है, ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, दोबारा से वहां पर सारे भाई और बहन आराम से देख लेना, क्योंकि लिस्ट के हिसाब से ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, वैसे आपको इंटरव्यू के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इंटरव्यू किस प्रकार से शेड्यूल है वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा, वो भी आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस किस डेट को किस किस भाई और बहन का इंटरव्यू होने वाला है, वो भी इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानकारी देंगे आप सभी को। इसके अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन देखते हो, अपनी जो कैटेगरी वाइज नाम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन सारी आप देख सकते हैं। 23 पेजों की लिस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर बीकॉम के भी, प्लस टू के बच्चे भी हैं, सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। बी फार्मा का भी एक स्टूडेंट है, बीएड भी कर रखी है, उसने भी फॉर्म अप्लाई किया आप सभी के सामने। बीटेक वाले स्टूडेंट ने भी ये फॉर्म अप्लाई कर रखा है, बीएससी वाले ने भी कर रखा है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, नौकरी पाने के लिए बच्चे कितने वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मात्र 2 पोस्टों के लिए इतने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं कि 1170 बच्चों को 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा है। 1170 पोस्ट जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मात्र दो पोस्टों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें से 1170 बच्चों की इसमें लिस्ट जारी हो चुकी है। क्योंकि मेरे भाई में जो भी चीजें बताएंगे आपको सीधी रियल चीजें बताएंगे, इसमें चाहे 2 पोस्टें हो, चाहे 4 पोस्टें हो, चाहे 1000 पोस्टें हो, जो भी बातें हैं सारी आपके साथ में हम खुलकर बातें बताते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी चीजें आपको बताई जाती है, जो भी नोटिस आपको दिए जाते हैं, 100% रियल जानकारी आपको दी जाती है। तो सभी के सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। बीए बीएड वाले जो भी स्टूडेंट वाले हैं सभी इस फॉर्म को देख पा रहे होंगे। फरीदाबाद कोर्ट के अंदर जितने भी फॉर्म अप्लाई किए थे उन सबकी लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। इस लिस्ट को आप डिटेल से चेक करें और आपका इंटरव्यू शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। और ये लिस्ट है 23 पेजों की लिस्ट रहने वाली है, ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से बिल्कुल डिटेल से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये आप सभी के सामने रहने वाला है, पब्लिक नोटिस रहने वाला है। 23 तारीख आज हो चुकी है और कल अपना इंटरव्यू देने के लिए सभी को पहुंचना पड़ेगा, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद, इस एड्रेस पर आपको जाके अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। प्रोसेस सर्वर की 2 पोस्टों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है, जिसके अंदर आपको लिस्ट बता दिए कि 1170 बच्चों का इसके अंदर लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर किसी को जॉब चाहिए तो अपना इंटरव्यू देके आ सकता है। ए से ई तक जितने भी अल्फाबेट के नाम से स्टार्ट होते हैं उनको
24 तारीख को फ्राइडे के दिन कल के दिन इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। एड्रेस ये रहने वाला है आप सभी के सामने, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद। इस एड्रेस पर आपने जाके अपना इंटरव्यू दे। एफ से आर तक जितने भी अल्फाबेट से नाम स्टार्ट होते हैं सबका 25 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद एस से जेड तक जितने भी अल्फाबेट से नाम स्टार्ट होते हैं उनका होने वाला है मंडे को। संडे को कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं है, फ्राइडे को है, सैटरडे को है और सीधा मंडे को है। और सुबह 10 बजे आपको अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंचाना है, ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं, आइडेंटिटी जो प्रूफ होता है आपके पास में कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको इस जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें बैठने का मौका दिया जाएगा। और आपको लिस्ट के अंदर जो आपका रिसीप्ट नंबर है वो अच्छे से चेक करके जाना होगा, जिसके अंदर नंबर और पोस्टें हैं जो प्रोसेस सर्वर की वो घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, इसमें पूरा डिटेल से लिख रखा है। 22 तारीख का ये इंटरव्यू शेड्यूल आप सभी के सामने, ये नोटिस जारी हो चुका है, जिसके अंदर 24 तारीख से ये डिटेल आप सभी के बीच में आ चुकी है कि 24 को 25 को 27 को आपका इंटरव्यू शेड्यूल इस प्रकार से रखा गया है और लिस्ट आप सभी के सामने जारी हो चुके हैं। सभी उसमें नाम चेक करें और जाके आराम से डिटेल से अपना इंटरव्यू देके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अपडेट्स आएंगे, किसी प्रकार का कोई भी नोटिस आएगा आपको डायरेक्टली देखने को मिलता रहेगा। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको मेरिट बेस्ड इंटरव्यू बेस पर जॉब चाहिए तो बिल्कुल आराम से आपको 1 से 1.5 महीने में जॉब मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसे ऐसे विभाग है जहां पर डायरेक्ट आपको इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है। तो जो भी भर्ती आएंगी कंटिन्यू आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर बताई जाएंगे। तो जो भी अपडेट्स होते हैं सारे कंटिन्यूली देखा करो और उसके बाद में फॉर्म अप्लाई किया करो। और किसी भी टाइप का आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रकार से जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो ये अपडेट आपको किस प्रकार से लगा सभी भाई और बहन, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।